और ये अब इसके ऊपर आ गई है क्रीम। कश्मीर से स्पेशल ये मिक्स करने के लिए आए, कश्मीर से आए हैं, कश्मीर से ये चीज आ गई। ओए होए होए होए, पुदीने की चटनी आ गई, मीठी चटनी किश्ते दी आ गई, मीठी चटनी आ गई। अगे नया दिन नई वीडियो, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल रहमान संगेड़ा और आज हम आपको चेक कराएंगे टेंपल रोड के हेवी खाने। सो चलो जी शुरू करिए फिर। मैं आ चुका हूं अपनी पहली लोकेशन पे जो के है मामा कबाब फरोश, और पहले ये राइट साइड पे होता था लेकिन इसकी लोकेशन रिसेंटली चेंज हुई है। अगर आपको हनीफा सिरी पाए का पता है ना तो उससे थोड़ा सा पहले कॉर्नर पे है ये अब मामा कबाब फरोश। अच्छा जी, तो ये इनका सेटअप है जिधर एक तरफ ये देखें जी ये बीफ कबाब पड़े हुए हैं, साथ ये दाल वाली टिक्की हैं, आलू वाली टिक्की हैं, ये भी ये कौन से कबाब हैं? अच्छा ये चिकन कबाब है, ठीक है। और ये क्या तैयार हो रहा है? ये कीमा फ्राई तैयार हो रहा है। और ये जो ये वाले कबाब है ना, ये आप वैसे भी ले सकते हैं, और कबाब मसाला या कबाब फ्राई जिसको कहते हैं वो भी बनवा सकते हैं, वो किसी भी कबाबों का बनवा सकते हैं। तो अभी ये हमारा बीफ कीमा फ्राई तैयार हो रहा है, जिसमें पहले नीचे आपको कीमे की लेयर नज़र आएगी, ऊपर प्याजों की, टमाटरों की, सब्ज़ मिर्च की लेयर नज़र आएगी, और अब ये बनेगा तवे पे। ये कीमा किस चीज़ का है? बीफ है। अपनी टाइमिंग क्या है? सुबह 12 से रात, तो 12 बजे से 2 बजे तक अगर आपको ये वाले कबाब खाने हैं तो आप आ सकते हैं। तो ये हमारा कीमा फ्राई तैयार हो चुका है प्याजों के मसाले के साथ, चेक करें। अब ये कबाब फ्राई हो रहा है, ये इधर बीफ कबाब और इधर टिक्कियाँ फ्राई हो रही हैं। तो इसमें ये बता रहे थे कि अदरक लहसुन वगैरह एक्स्ट्रा डलता है, और इस तरह फिर ये नान को गर्म करते हैं जो भी कहें। तो ये हमारा ऑर्डर आ चुका है, सबसे पहले ये है जी बीफ कबाब, ठीक है जी, और ये दाल टिक्की फ्राई हुई है, और ये बीफ कबाब फ्राई हुआ है, और साथ इन्होंने हमें ये सलाद दिया, चटनी दी है, और एक नरम गरम नान दिया जिसको मसाले पे रख के नरम करते हैं। सबसे पहले इनका कबाब ट्राई करते हैं, ये साबुत कबाब, और सिर्फ 40 रुपए का है, ये चेक करें, ये कबाब है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मली जो आप बीफ कबाब खाते हैं लाहौर की स्ट्रीट फूड में, उससे थोड़ी हट की चीज़ है, मैंने ये फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं तो मुझे तो अच्छे लगे, और बड़े फिट किस्म के ना मिर्च मसाले हैं इनके कबाब में। आप में से कुछ लोगों को शायद नमक या मसाले तेज़ लगे, बट मेरे लिहाज से परफेक्ट है। अब ट्राई करते हैं जी इनका ये जो दाल की टिक्की के साथ इन्होंने मसाला बना के दिया था, इसमें मुझे चीज़ अच्छी ये लगी कि एक तो दाल जो है वो बड़े अच्छे तरीके से मैश हुई है, वो सॉफ्ट सी है, उसके साथ जब प्याज क्रिस्पी से प्याज आते हैं, सब्ज़ कटी मिर्च आपके नवाले में आती है तो वो बड़ा हैवी सीन कराती है। अब एंड में ट्राई करते हैं इनका ये कबाब मसाला जो कि बीफ कबाब मसाला है, और एक चीज़ जिसको मैं मेंशन करना चाहूँगा कि इनकी चटनी भी फुल स्पाइसी सीन है। पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें तो मुझे ये जो इनका कबाब है ना, ये वाला कबाब, ये ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू जो कबाब मसाला होता है। सो मामे के कबाब शबाब मैंने खा लिए। एक चीज़ जो मैंने नोट किया है कि जब आप एक या दो नवाला लेते हैं तब इतना फील नहीं होता, लेकिन जब आप पेट भर के खाते हैं ना तो प्रॉपर पता लगता है कि जो उनकी फ्राई वाली आइटम्स है ना तो उसमें थोड़ा सा नमक तेज़ है। खैर, अब आपको मिलते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जो कि है भट्टी टका टक एंड दवा पीस।
तो मैं आ चुका हूँ अपनी दूसरी लोकेशन पे जो कि है भट्टी टकाटक एंड तवा पीस। और इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आप टेंपल रोड पे जैसे ही एंटर होते हैं ना तो जो सबसे पहली दुकान है ना खाने पीने की वो इनकी है। बड़ी छोटी सी दुकान है लेकिन इनका सेटअप बहुत हैवी है। एक तवा लगा हुआ है जिसपे भाई दाल बनाई जा रही है, उसमें पहले वो टमाटर प्याज का मसाला बनाते हैं, उसमें फिर दाल ऐड करते हैं, मक्खन ऐड करते हैं, और अगर आपने अंडा टिक्की बनवानी है तो उसमें वो अंडा भी ऐड करते हैं। और दूसरे तवे पे भाईजान चिकन पीस तैयार हो रहा है, और चिकन पीस इतना ज़बरदस्त है कि उसको देख के मेरे मुँह में पानी आ गया था। और ये अब इसके ऊपर आ गई है क्रीम। ओए होए 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 हैवी, बहुत हैवी है। अच्छा तो ये इनका वो सेटअप है जिधर ये गुर्दे कपूरे चांपे वगैरह लगी हुई हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा आप एक गुर्दा डाल दें और एक कपूरा डाल दें, दिखाएं ज़रा। ये जी हमारा गुर्दा कपूरा, और अब ये चीज़ और मक्खन में तैयार होगा। चलें जी। तो ये हमारे गुर्दे कपूरे की प्लेट तैयार होने लगी है। ये पहले गुर्दे कपूरे आ गए, उसके बाद ये मसाला डाल रहे हैं, प्याज का, अदरक का, ऊपर नमक आ गया। स्पाइसी कर दें भाईजान आप। ये लाल मिर्च आ गई, अब इसको स्टीम करेंगे ताकि ये मसाला अच्छे तरीके से घुल जाए। तो ये दम से उठ गया जी हमारा। और अब इसको पीसेस में कर रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में हो जाएगा ना बिल्कुल। ये जो साउंड है ना ये वाली, इसका एक अपना ही मज़ा है, और ये भी थेरेपी हो सकती है। देखिए पहले हमारा पूरा पीसेस में हो गया और अब ये गुर्दा पीसेस में हो गया है। अदरक है ना, ये अदरक है, और ये अदरक जनाब इसके अंदर। सो ये अब इस पर मक्खन का तड़का लगने लगा है, और बस दो काफ़ी हैं। ये चेक करें जी, मक्खन आ गया इसके अंदर। अब ये इसके अंदर जाएगी पूरी पूरी साबुत मिर्च। अब एंड में इसमें दही ऐड हो रहा है, और फिर से इसको पकाया जाएगा। ये मोस्ट वेटेड हमारी ये चीज़ आ गई। ओए होए 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 होए, हमारी गुर्दे कपूरे की प्लेट आ चुकी है। इसमें गुर्दा है, कपूरा है, चीज़ है, मक्खन है, और साथ सलाद दिया है, साथ हमने ये चपाती मंगवाई है अपनी। अच्छा जी, तो पहले मैंने जब चिकन तवा पीस इनका बनते हुए देखा ना तो भाई मेरे मुंह में पानी आ गया था, और मैंने कहा था मैं यही ट्राई करूँगा, लेकिन मैंने कहा कि यार चिकन तवा पीस तो हम बड़ी जगह से ट्राई करते हैं, ठीक है, तो इनका जो स्पेशल है वो है गुर्दे कपूरे, क्यों ना वो ट्राई किए जाएँ। सो अब ट्राई करते हैं, पहले एक वैसी बाइट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनका जो मसाला है ना जिसमें इन्होंने ये गुर्दे कपूरों को बनाया हुआ है वो बहुत तगड़ा है, और गुर्दे कपूरे बड़े अच्छे तरीके से खुले हुए हैं, रबड़ वाला वो चीज़ फील नहीं होती। अब लेते हैं चीज़ के साथ, और ये देखें जी ये चीज़ हमारी आ गई, और ये एक हमारी अल्टीमेट बाइट है। इसमें चीज़ भी है, सब्ज मिर्च भी है, और गुर्दा कपूरा तो है ही। ओए होए 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 जालिम उस्ताद जी, इस गुर्दा का पूरे मसाले की ख़ास बात ये है कि इसमें आपको चीज़ के, मक्खन के, और काली मिर्च के, लाल मिर्च के, और सब चीज़ों के ना बड़े इक्वली फ्लेवर मिलते हैं। आपको कुछ भी नहीं लगता कि यार ये चीज़ इसमें एक्स्ट्रा डली हुई है, बहुत ही ज़्यादा बैलेंस फ्लेवर्स हैं।
तो पहले तो मेरा मूड था कि भट्टी टकाटक से उनकी दाल भी ट्राई की जाए, लेकिन एंड में मेरे पेट में गुंजाइश नहीं थी। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको मखनी वो तड़के वाली दाल पसंद है ना, तो लाजमी ट्राई करें, क्योंकि जिस तरह वो अंडे में मसाले में बनाते हैं ना, मेरी गारंटी है कि वो ज़बरदस्त होगी। अच्छा, एक और चीज़ मैं मेंशन कर दूं कि अगर आपने ये भट्टी टकाटक से गुर्दा कपूरे तवा पीस या दाल कुछ भी ट्राई करना है ना, तो आपको 7 बजे के बाद आना पड़ेगा। अगर आप 7 बजे से पहले आए तो ये सारे सीन मिस हैं, फिर ना कहना संघेड़े ने दस्या नहीं। वैसे तो मेरा पेट फुल हो चुका है, लेकिन मैंने कहा जाते जाते आपको बता दें कि लाहौर के जो सबसे फेवरेट मेरे दही बल्ले हैं वो कौन से हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लोकेशन पे। जी, ये वो रोड है जो टेंपल रोड से सीधा आ रहा है, और ये है जी रीगल सिनेमा, जहाँ यहाँ कभी पहले सिनेमा हुआ करता था। और यहाँ पर है जी ये बेनज़ीर दही बल्ले, अल मशहूर रीगल चौक वाले दही बल्ले। आए जी, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर जी? एक प्लेट से लाओ जरा, दही बल्ले फ्रूट चाट, दही बल्ले, दही बल्ले। ये पहले दही बल्ले और बंद आ गया, ओ सॉरी बंद नहीं, बल्ला बल्ला, आलू पकौड़ी, आलू पकौड़ी आ गए। चलो जी आगे चलो, आगे मसाला आ गया है, मसाला आ गया साडा, पुदीने दी चटनी आ गई, पुदीने दी चटनी आ गई, मीठी चटनी किश्ते दी आ गई, मीठी चटनी आ गई, अगे खालस दही आ गया, खालस दही आ गया, ओतर बाद सलाद ते उत्ते पापड़ी भी पा दो, ओतर बाद सलाद, पापड़ी के बगैर गुजारा नहीं है, पापड़ी भी आ गई, और पा दो रिकल बेनदीर, रिकल बेनदीर। तो ये जी हमारे दही बल्ले तैयार हो गए हैं। तो इनके दही बल्लों की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है ना, कि ये मिट्टी के बर्तन में आपको दही बल्ले बना के देते हैं। ट्राई करते हैं, बोता और नहीं करना, ये देखे जी, पहले एक वैसी लेते हैं पापड़ी के साथ, क्योंकि मुझे पापड़ी पसंद है। भाई कह रहे हैं मिक्स करें, मैंने कहा वो भी कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आय हाय है, ये जो पहली बाइट में दही बल्लों के साथ पापड़ी आती है ना, इसका कोई जोड़ नहीं है। मेरे लिहाज से जो पापड़ी वाला सीन है वो सबसे हैवी और सबसे फेवरेट है। तो पहले करते हैं इसको जी मिक्स अच्छी तरीके से, अब ताकि हमें सारे इक्वली फ्लेवर्स आएँ। तो ये स्पेशल भाई मुझे मिक्स करके दे रहे हैं, शुक्रिया भाईजान। क्या नाम है? मेरा नाम असद है सर। सो असद भाई जी सर, कश्मीर से स्पेशल ये मिक्स करने के लिए आए? कश्मीर से आए हैं? मुजफ्फराबाद कश्मीर सर। नहीं, लेकिन ये मिक्स करने के लिए तो नहीं आए ना? मिक्स करने के लिए तो नहीं आए, यहां पे काम है। हां मजाक करो, मजाक। हां सर, सो जब आप आए रीगल दही बल्ले वाले पे, तो यहां पे आपको मिलेंगे, नाम क्या है? असद, असद, असद भाई, असद भाई, असद भाई सर, लव हो गया। सो अब प्रॉपर हमारी मिक्सिंग हो गई है, ये चेक करें जी, ट्राई करते हैं। क्या बात है, मैंने लाहौर में जहाँ से भी दही बल्ले खाए हैं ना, आपको जो उनके जो मीठा टेक्सचर होता है ना वो प्रोमिनेंट मिलता है, लेकिन इनके दही बल्लों की सबसे ख़ास बात यह है कि मिठास का, खटास का और स्पाइसेस का बिल्कुल इक्वल बैलेंस फ्लेवर है, जो कि सबसे ज़्यादा इसको यूनिक बनाते हैं। और अपनी अपनी चॉइस की बात है, मैं दही बल्लों में ज़्यादा पापड़ी ऐड करवाता हूँ, और मेरा होता है कि हर बाइट में मुझे हल्की सी वो पापड़ी की क्रिस्पीनेस आए। इसका जोड़ नहीं है, तो मैं ये ख़त्म कर लूँ ज़रा है। तो यहाँ हमारी ये वीडियो इख्तिताम पज़ीर होती है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टेंपल रोड वाली साइड पे आते हैं, तो भट्टी टकाटक और ये रीगल चौक वाले दही बल्ले लाजमी ट्राई करें, फिर ना कहना संघेड़े ने दसिया नहीं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।